सुनैना की सच्चाई नमन अपने ससुराल में जाने के बाद जानने वाला है। सुनैना की सुहाग वाली बेड पर सुनैना की जगह उसकी माँ कुमुद लेटी हुई थी, ताकि उसकी बेटी की सच्चाई नमन के सभी परिवार वालों के बीच न आए। इसीलिए नमन अपनी माँ को किसी भी तरह मनाकर सुनैना के घर यानी अपने बीवी के मायके चला जाता है, क्योंकि शादी के बाद परंपरा होती है कि पति पत्नी पहली रात एक दूसरे के साथ ही रहे। इस परंपरा के कारण नमन भी सुनैना के साथ जाने वाला है। सुनैना के साथ सुहाग वाली रात अब अपने बीवी के मायके में बिताने वाला है। लेकिन दोस्तों कुमुद किसी भी तरह नमन को रोकने की कोशिश करेंगी, मगर अपनी माँ से किए वादे के कारण नमन सुहाग रात के लिए सुनैना को अकेले कमरे में चलने की बात कहता है। सुनैना अभी तक कुछ नहीं जानती उसके साथ आखिर क्या हुआ है, इसीलिए वो नमन के कहने पर सुहाग रात के लिए उसके साथ चली जाती है। नमन जैसे ही सुहाग रात के लिए अपनी कार्यक्रम को शुरू ही करने वाला होता है कि सुनैना की सच्चाई वो पलक पाकर जान जाता है, जिसके बाद सुनैना को वो कुछ भी नहीं बताता। कुमुद को चिल्लाने लगता है। कुमुद और नमन एक दूसरे को देख अजीब नजरों से देखने लगते हैं। नमन सुनैना की सच्चाई जानने के बाद इस घर से जल्द जाने वाला है और अपने परिवार वालों के बीच जाने के बाद असल सच्चाई बता देने वाला है। यहाँ पर बाबू साहेब बहुत ज्यादा कुमुद पर गुस्सा होने वाले हैं, लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी है। नमन नहीं चाहता है कि सुनैना की सच्चाई सभी के सामने आए।